दोस्तों, आप अगर एक इंडियन हैं तो आपने सड़कों पर भिखारी तो देखे ही होंगे, और आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि हमारे इंडिया में ही क्यों भिखारी पाए जाते हैं। और आपके मन में ये भी सवाल आया होगा, क्या बाहर के देशों में भी भिखारी पाए जाते हैं? इसी के बारे में ही मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एज वेल एज इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा भिखारी वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, जो करीब करीब 82,000 हैं, और सबसे ज़्यादा कम भिखारी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, जो करीब करीब 800 के करीब है। हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा भिखारी क्यों पाए जाते हैं, उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक भिखारी भिखारी बनते क्यों हैं। एक भिखारी भिखारी बनने के बहुत सारे रीजन्स होते हैं। उनमें से पहला रीज़न है फिजिकली एबनॉर्मल। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकली इनएक्टिव होते हैं या फिर एबनॉर्मल होते हैं, और उनका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता है, इसीलिए भीख मांगना ही उनके लिए एक बस छारा बन के रह जाता है। दूसरा रीज़न है इट्स इजी एंड कंफर्टेबल। हाँ, ये बात तो है, बैठ बैठ के पैसे कमाना किसको नहीं पसंद, इसीलिए बहुत से हेल्दी लोग भी इस काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो लोग जो कहीं पर जाके लेबर का काम कर सकते हैं, लेकिन वो भीख मांगना ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार एक भिखारी महीने में 1,000 से लेकर 20,000 तक कमाई करते हैं। मुझे पता है ये सुनकर आपको शौक जरूर लग गया होगा, लेकिन मामला कुछ ऐसा होता है कि जब एक भिखारी का 100 से 200 रुपए जमा हो जाते हैं, तो वो भिखारी अपने बस्ते पे वो पैसे घुसा लेते हैं और अपने भीख मांगने के थाली पे 1 या 2 रुपए रख के आगे रख देते हैं, जिसे सबको लगता है कि उस भिखारी को सिर्फ 1 से 2 रुपए ही नसीब हुआ है। और ऐसे ही भिखारी हमको टोपी पहनाते हैं। हाँ, ये बात है कि सब भिखारी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अभी ये सवाल आता है कि हम कैसे जाने कि ये भिखारी असली भिखारी है या फिर नकली भिखारी। इसका आंसर है, जो भी भिखारी फुल्ली एक्टिव है, उनका हाथ पैर सब है, उन भिखारी को आप पैसे मत दीजिए। और जिन भिखारी के पैर या फिर हाथ नहीं है, जो एबनॉर्मल है, उनको आप देना ज़्यादा प्रीफर करें। और क्या आप जानते हैं, हमारे इंडिया का रिचेस्ट भिखारी का नाम है भारत जैन। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि इसका मंथली इनकम 70,000 रुपीज़ है, जितना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी नहीं मिलता है। अभी तीसरा रीज़न निकल के आता है, नो स्किल्स। एक भिखारी के पास कोई भी स्किल्स नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें कहीं पर भी जॉब या फिर काम में नहीं रखा जाता है। और स्किल आती है एडुकेशन से, क्योंकि इन भिखारियों को बचपन से ही एडुकेशन के लिए प्रेरित नहीं किया गया था, जिसके चलते उनका स्किल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, जिसके चलते उन्हें बाद में जाकर कोई भी काम नहीं मिलता है और भीख मांगने में मजबूर हो जाते हैं। नंबर 4, द बेगर इंडस्ट्री। क्या आप जानते हैं, भिखारियों का भी एक इंडस्ट्री होता है, जहां पर एक माफिया या फिर गुंडा बहुत से बेघर लोग को पकड़ के लाते हैं और दिन भर भीख मांगने के लिए लगा देते हैं। बाद में जो भी भीख इकट्ठा होते हैं, उस भिखारी को वो पूरे भीख उस गुंडे को देना होता है। बदले में वो गुंडा भिखारी को बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में खाना प्रोवाइड करता है, और ऐसे ही गुंडे या फिर माफिया को फंडिंग मिलता है। तो इसीलिए रास्ते में जो भी भिखारी मिले, उनको सिर्फ खाना देना है, उनको पैसा कभी भी नहीं देना है। नंबर 5, लेजीनेस। हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बेकर भी पाए जाते हैं, जिनके हाथ पैर सब है, लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि लेजीनेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेगर बनने में। क्योंकि भीख मांगने में बस बैठे बैठे पैसा मांगना होता है, काम नहीं करना होता है, इसीलिए काफ़ी हेल्दी बेगर भी काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होते। अभी आते हैं हम उस सवाल की ओर, क्यों हमारे भारत में इतने सारे भिखारी पाए जाते हैं, क्या बाहर के देशों में भी भिखारी पाए जाते हैं? इसका पहला रीज़न है एक्सेसिव पॉपुलेशन। हमारे इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जो आने वाले 5 से 6 सालों में चाइना को भी क्रॉस कर देगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे भारत का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, जिसके वजह से एक सिटी में जितने लोग रहना चाहिए, उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में उस सिटी में लोग रहते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि उस शहर का कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, आइए हम उसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक नॉर्मल सा घर है और इस घर का दाम करीब करीब 20 लाख रुपए है।
अगर इस घर को खरीदने के लिए करीब करीब 5 लोग आते हैं तो अभी वो ओनर उसको ही घर बेचेगा जो इस घर के लिए ज़्यादा कीमत पे करेगा। अगर इन 5 लोगों में से किसी ने बोलता है कि मैं 25 लाख रुपये दूंगा तो अभी वो ओनर उसी को ही घर बेचेगा। तो ऐसे क्या हुआ, उस घर का एक्चुअल कीमत था 20 लाख रुपये, लेकिन लोग ज़्यादा होने के कारण उस घर का वैल्यू 25 लाख रुपये हो गया। ऐसा ही सेम केस हमारे इंडिया के साथ भी होता है। हमारे इंडिया में घर कम खरीदार ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण घरों का और लैंड का कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो गरीब लोग होते हैं वो घर खरीद नहीं पाते हैं और उनको सड़क पे ही सोना पड़ता है। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है रास्ते में भिखारी पाए जाने का। नंबर 2, पॉवर्टी मतलब गरीबी। पॉवर्टी को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में एक इंसान अपने बेसिक नेसेसिटीज मतलब फूड क्लोथ एंड शेल्टर के लिए संघर्ष करता है। दूसरे में आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में एक इंसान को फूड क्लोथ एंड शेल्टर मिल जाता है लेकिन उनका इनकम कम होता है। क्योंकि हमारा इंडिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आता है, मतलब गरीब लोगों के पास फूड क्लोथ एंड शेल्टर नहीं है। तो अगर एक इंसान के पास खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं तो ऑफकोर्स जो गरीब लोग हैं उनको तो भीख मांगना ही पड़ेगा। अब ये रीज़न हो गया कि एक भिखारी इतना गरीब क्यों होता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, क्या बाहर के देशों में भी भिखारी पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बाहर के देशों में भी भिखारी पाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में पाए जाते हैं। जैसे USA की बात कर लेते हैं, USA में पॉपुलेशन कम लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, जिसके वजह से USA में भिखारी पाए जाते हैं, मतलब होमलेस पीपल पाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में और बहुत ही गिने चुने जगह में। इसीलिए हमें USA में होमलेस पीपल ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है एज वेल एज एरिया कम है, जिसकी वजह से कम एरिया में हमें ज़्यादा भिखारियाँ देखने को मिलता है। अभी आते हैं हम अपने कंक्लूजन पर कि कैसे हम इन भिखारियों को रास्ते से हटा सकते हैं। नंबर 1, किसी भी भिखारी को पैसे बिल्कुल नहीं देना है, उनको बस खाना या फिर कपड़े खरीद के देना है। कुछ भी चीज़ हमें उनको खरीद कर देना है, ना कि उनको पैसा देना है, क्योंकि पैसों से वो कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, जैसे अल्कोहल या फिर सिगरेट। नंबर 2, अगर आप किसी ऐसे NGO को जानते हैं जो इन भिखारियों को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको उस NGO में भर्ती करा सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में NGOs तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेगर के लिए काफ़ी कम NGOs है। इसीलिए हमें इंडिया में सफिशियंट बेगर्स के लिए NGO चाहिए। नंबर 3, अगर आप इन भिखारियों के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप इनको वेट मेजरमेंट मीटर गिफ्ट कर सकते हैं तो सोलर पावर से चार्ज होता हो। इससे उनका क्या फ़ायदा होगा कि रास्ते में जो भी लोग आते हैं उनका वेट वो भिखारी मापेगा, जिसके चलते उन भिखारियों को 5 या फिर 10 रुपये दे के जाएगा। क्योंकि उनको बैटरी को चार्ज करने के लिए पैसे नहीं देना होता है, क्योंकि बैटरी सोलर पावर से चार्ज हो जाता है। और ऐसे ही उन भिखारियों को अपनी रोजी रोटी के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है इन भिखारियों को एक इनकम सोर्स प्रोवाइड करने के लिए। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी बड़े से बड़े स्टेप ले रहे हैं इन भिखारियों को अपने बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करने के लिए। और वो वक्त भी दूर नहीं जब हमारा इंडिया USA जैसे कंट्रीज से कंपेयर होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा है तो लाइक कर दीजिए, अगर कहीं पर आपको बुरा लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।